नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि काफ़ी दिन से मैं भी अभी थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था, दूसरे कुछ प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व था, तो इन्वेस्टमेंट में, तो उसी चक्कर से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी आपके लिए आ गया हूँ दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो देने के लिए। आज कल से मैं शायद टेलीग्राम चैनल पर बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ लेवल्स में दे रहा था, एक एक शायद ट्रेड में दे रहा था। जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा काफ़ी अच्छा पैसा कमाया होगा। आज भी मैंने ट्रेड दिया था गाइस। अगर किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस पर हो गया या कैश फ्यूचर्स पर हो गया, अगर आपको ट्रेड करना है, पैसा कमाना है, अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मैंने दे दिया हूँ। आप अगर चाहें तो चेक कर सकते हो और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को पेड सर्विस की ज़रूरत है तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, पेड सर्विस में भी काम कराता हूँ। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जुड़ने के लिए आप लोग को उसी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है और वहां पर मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहां से। तो गाइस चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर, और कल हम कौन से लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, और सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए। और पहले से जैसे व्यूज़ आते थे अभी नहीं आते हैं, शायद काफ़ी सारे लोग ने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके नहीं रखे हैं। जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ किसी को नोटिफिकेशन शायद नहीं जा रहा है, इसी कारण से वो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हो आगे आगे चल के, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा। और चलिए चलते हैं डायरेक्ट लेवल्स के ऊपर। जो भी लेवल्स दूंगा उन लेवल्स को नोट करके ट्रेड करिएगा, और खास करके वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप करने से काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन छूट जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ स्किप मत करिए, शुरू से आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले सपोर्ट पे चलते हैं। सपोर्ट आपका रहेगा 356.90 पैसा। याद रखिए, अगर DLF 356.90 पैसा के नीचे सस्टेन करता है, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 353, दूसरा रहेगा 349.10 पैसा। उसके नीचे भी चलता है डे लो 352.20 पैसा, रीटेस्ट कर सकता है। याद रखिए 356.90 पैसा सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही उसके नीचे चलता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 353, दूसरा रहेगा 349.10 पैसा, तीसरा रहेगा 345.20 पैसा। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ, रेजिस्टेंस रहेगा 360.85 रुपीज़। जैसे ही 360.85 रुपीज़ के ऊपर चलने लगता है आप लोग बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 363.90 पैसा, उसके ऊपर चलता है 367, उसके ऊपर भी चलता है 370 के आसपास टारगेट रहेगा। याद रखिए, अगर DLF 360.85 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करता है आप बाई कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 363.90 पैसा, दूसरा रहेगा 367, तीसरा रहेगा 370। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है मैंने क्लियरली आपको बता दिया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी लेवल्स बता रहा हूँ वो लेवल्स को नोट करके ट्रेड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के ऊपर चलते हैं। टाटा मोटर्स पर भी कहाँ पर सपोर्ट है रेजिस्टेंस है वो देखेंगे। गाइस टाटा मोटर्स का सपोर्ट रहेगा 436.30 पैसा। जितने लोगों ने आज ट्रेड किया है टाटा मोटर्स पर, मैंने ट्रेड दिया था, जैसे कि पहले शॉर्ट करने के लिए मैंने दिया था। शॉर्ट करने के बाद 427.28 से मैंने शॉर्ट करवाया था, तो करीबन 4 रुपये, 4.5 रुपये के आसपास टारगेट हमने बुक किया, तो वो 21 तक चला गया। उसके बाद हमने बाई किया था करीबन 4-5 रुपये के लिए, बट वो 440 तक आ गया। तो चलते हैं हम लोग लेवल्स के ऊपर। सपोर्ट रहेगा पहले 436.30 पैसा। जैसे ही 436.30 पैसे के नीचे सस्टेन करता है टाटा मोटर्स, आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 431.30 पैसा। जैसे ही 431.30 पैसे के नीचे सस्टेन करता है, 426.25 पैसा पे दूसरा टारगेट रहेगा, और सॉरी तीसरा टारगेट और चौथा टारगेट, अगर ये आज का डे लो 421.20 पैसा तक भी रीटेस्ट कर सकता है अगर नीचे जाता है तो। 436.30 पैसा सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे चले तो सेल कर सकते हो। पहला टारगेट 431.30, 426.25, 421.20 पैसा। रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस आज का डे हाई ही रेजिस्टेंस रहेगा, 441.45 पैसा आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। 444.55 पैसा नेक्स्ट आपका रहेगा, उसके ऊपर भी चलता है 451.50 पैसा।
याद रखिए उसके ऊपर भी और एक टारगेट है 458.50, बट आपको इतना ध्यान देना है 441.45 के ऊपर अगर चलता है तो आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 444.55 और उसके ऊपर चलता है 451.50, उसके ऊपर भी चलता है 458.50। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने क्लियरली बता दिया हूँ, ध्यान से सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट करके ट्रेड करिए। अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो अगर चाहते हो तो मैं ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट करूँ तो आप लोग मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल करिए, आपकी डिटेल सारे मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, कैसे एनालिसिस करना है, टेक्निकली एनालिसिस कैसे करना है, सारा चीज़ अगर आपको जानना है तो मेरे ईमेल आईडी पर मुझे मेल करिए, डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ किसी को भी अगर पेड सर्विस या फ्री सर्विस पे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पे एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको पेड सर्विस के लिए नंबर प्रोवाइड करूँगा। अगर फ्री सर्विस में ज्वाइन करना है तो उसी नंबर पर आप लोग रह सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड के ऊपर भी हम लोग थोड़ा देखेंगे और अशोक लेलैंड का सपोर्ट रहेगा 110.45। याद रखिए अशोक लेलैंड अगर 110.45 के नीचे सस्टेन करने लगता है आप लोग सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 108.95, दूसरा रहेगा 107.45 और उसके नीचे भी आता है तो 105.45 और 103.50। याद रखिए अगर अशोक लेलैंड 110.45 के नीचे सस्टेन करता है तभी आपको सेल करना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 108.95, दूसरा रहेगा 107.45, उसके नीचे चलता है 105.45, उसके नीचे चलता है 103.50। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस रहेगा 113.50, आज का डे हाई 113.50 के ऊपर जैसे ही चलता है आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 115.30, उसके ऊपर भी चलता है 117.20, उसके ऊपर चलता है 119.80। याद रखिए अगर अशोक लेलैंड 113.50 के ऊपर चलता है तो आप लोग बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 115.30, उसके ऊपर चलता है 117.20, उसके ऊपर चलता है 119.80, यहाँ तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने क्लियरली बता दिया हूँ, ध्यान से आप लोग लेवल्स को नोट करके ट्रेड करिएगा और मार्केट में पैसा ज़रूर कमाएगा। और किसी को भी अगर वीडियो अच्छा लगता है, लेवल्स पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आपका रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए SBI में जैसे कि आज मैंने SBI में बाइंग करवाया था, 482-483 से बाइंग मैंने करवाया था 87 तक, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमें मिला, करीबन लास्ट में ये 95 तक आ गया। तो चलते हैं कल के लिए, कल कौन से लेवल पर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें दोबारा जो इसका हाई था उस हाई को ब्रेक करने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, 505 के ऊपर जो आसपास दो तीन दिन पहले लगाया था। सपोर्ट पहले देखते हैं सपोर्ट कहाँ पर है। सपोर्ट आपका रहेगा 491.10। याद रखिए 491 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तभी आप बाय सॉरी 91 के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 486.50। 486.50 के नीचे अगर सस्टेन करता है 481.85, उसके ऊपर उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 477.25। याद रखिए अगर SBI 491 के नीचे सस्टेन करता है सेल कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 486.50, उसके नीचे चलता है 481.85, उसके नीचे भी चलता है 477.25। रेजिस्टेंस की बात अगर कहूँ तो रेजिस्टेंस रहेगा 495.80 के ऊपर चलता है बाय कर सकते हो। 499.65 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 503.50, तीसरा रहेगा 510, 510 तक भी आने के चांसेस है।
49580 पैसा आपका रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही चलता है बाय कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 49965 पैसा, उसके ऊपर चलता है 50350 पैसा और 510। तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस था मैंने क्लियरली बता दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ किसी को भी अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन पे ईमेल आईडी है, मुझे मेल करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ किसी को भी अगर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, चेक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को पेड सर्विस की भी ज़रूरत है तो उसी टेलीग्राम पर ही ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर मैं अपना नंबर शेयर करता हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, धन्यवाद।